श्रीलंका में आज भी रामायण से जुड़े कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं, जो बीते हुए रामायण काल के इतिहास की गवाही देते हैं। इस बात को तो सभी जानते हैं कि जब भगवान राम और लंकाधिपति रावण के बीच युद्ध हुआ था, तब राम के हाथों रावण का वध हुआ था और रावण के अंतिम संस्कार के लिए उसके शव को रावण के भाई विभीषण को सौंपा गया था। विभीषण को लंकाधिपति रावण का शव सौंपे जाने के बाद रावण का अंतिम संस्कार हुआ था या नहीं, इस बात को शायद कोई भी नहीं जानता। अगर हम कहें कि लंकाधिपति रावण आज भी लंका में मौजूद है, तो आप शायद इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये हकीकत है। कहते हैं कि भगवान राम के हाथों युद्ध में मारे जाने के बाद कुछ राक्षसी कबीलों ने रावण की लाश को ममी बनाकर सुरक्षित रख लिया था, इस उम्मीद में कि एक दिन रावण जिंदा हो जाएगा। रिसर्चर्स की माने तो आज भी रावण की ममी श्रीलंका के रानागिल गुफा में सुरक्षित है। इस बात को करीब 10,000 साल हो चुके हैं। आज हम आपके सामने रावण का वो राज खोलने जा रहे हैं जिसका जवाब पिछले 50 साल से खुद श्रीलंका सरकार खोज रही है। हाय दोस्तों, मैं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीलंका के पुरातत्व विभाग ने कुछ समय पहले एक अजीबोगरीब दावा किया था। उनका दावा था कि त्रेता युग में जिस रावण को भगवान राम ने युद्ध में मार दिया था, उसकी मम्मी यहाँ आज भी मौजूद है। दरअसल ये मम्मी रागला के जंगलों में आज भी रखी हुई है। कहते हैं कि जब राम रावण युद्ध अपने अंतिम दौर पर था और रावण मारा जा चुका था, तब उसके वफादार सैनिक उसका शव लेकर गायब हो गए थे और उन्होंने रावण की लाश को मम्मी के रूप में सुरक्षित रख लिया था। रागला के घने जंगलों में 8,000 फुट की ऊंचाई पर एक गुफा मौजूद है जहां रावण ने तपस्या की थी। कहा जाता है कि इसी गुफा में रावण की मम्मी मौजूद है। रावण का शव जिस ताबूत में रखा गया है, उस पर एक खास किस्म का लेप लगा है जिससे वो ताबूत हजारों साल से जस का तस है। इस ताबूत की लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 5 फीट है और कहा जाता है कि इसी ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना दबा हुआ है। रागला के घने जंगलों और गुफाओं में कोई नहीं जाता क्योंकि यहाँ जंगली और खूंखार जानवरों का बसेरा है जिसकी रखवाली खतरनाक नाग और खूंखार जंगली जानवर करते हैं। पुराणों में लिखा है कि रावण त्रेता युग का सबसे ताकतवर राजा था और भगवान राम की पत्नी सीता का हरण कर वो लंका ले गया था, इसलिए राम रावण युद्ध त्रेता युग में हुआ जिसके प्रमाण आज भी श्रीलंका में सुरक्षित हैं। रावण की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी विभीषण को सौंपी गई थी, लेकिन लंका की राजगद्दी संभालने की जल्दी में विभीषण ने रावण के शव को वैसे ही छोड़ दिया था, जिसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ ले गए थे। नागकुल के लोगों को यकीन था कि रावण की मौत नहीं हो सकती और वो फिर से जीवित हो जाएगा। उन्होंने रावण को फिर से जीवित करने की कई बार कोशिश भी की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने रावण के शव को सुरक्षित रखने के लिए कई तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया और उसे मम्मी के रूप में रख दिया। श्रीलंका के रामायण रिसर्च सेंटर और वहां के पर्यटन मंत्रालय ने मिलकर रामायण से जुड़ी ऐसी 50 जगहों को ढूंढ लिया है जिनका पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व है और उनका रामायण में भी जिक्र मिलता है। अब वहां की सरकार इसे पर्यटन के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है जिसमें भारत भी मदद कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।